कैसे पहचाने कि कोई लड़की गर्म हो चुकी है? लड़कों का तो देखो प्रत्यक्ष पता लग ही जाता है, क्योंकि उनका सामान इरेक्ट हो जाता है, वो इरेक्शन उनके पीनस में नजर आने लग जाता है, वो हार्ड हो जाता है, तो पता लग जाता है कि लड़का जो है गर्म हो चुका है, रेडी हो चुका है एक्सरसाइज करने के लिए। कौन सी एक्सरसाइज? सेक्सुअल एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन एक फीमेल का कैसे पता करे कि वो गर्म हो चुकी है? लेकिन करती है, कई बार अपनी वो इच्छाएं बताती नहीं है ना, आपको जाहिर होने देती है कि हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर तैयार होती है, आपसे मजे लेती है। सेम इसी तरह से कुछ फीमेल नाटकबाजी करती है, आपको पता नहीं लगने देती कि हाँ वो गर्म हो चुकी है, इसका काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बच्चों को संभालना है, घर में कपड़े धोने हैं, 10 तरह के काम है, तो वो अपनी अंदर से खुद को जाहिर नहीं करती, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप आगे बढ़े भी उसके साथ या नहीं। आपने इधर उधर हाथ लगाया, अंदर से वो हो तो जाती है नरम, लेकिन आपको जाहिर नहीं होने देती। ये है देखो चैलेंजिंग तो है थोड़ा, वही अगर किसी फीमेल ने अपने मेल पार्टनर को इधर उधर हाथ लगा भी दिया, हल्का सा रब कर भी दिया, तो उसका तन के खड़ा हो जाता है, साफ पता लग जाता है कि भाई ये तो गर्म हो गया। सवाल देखो यही उठता है कि किसी औरत को कैसे पहचाने, घूम फिर के बात यही आ जाती है कि किसी औरत को कैसे पहचाने कि वो गर्म हो चुकी है। बताने वाली हूँ, बने रहिए। देखो फीमेल में कई तरह की कैटेगरी पाई जाती है, लेकिन 80% महिलाएं 3 तरह की कैटेगरी में ही आती है। नंबर 1 फेमिनिन, सेकंड सबमिसिव, थर्ड इज डोमिनेंट। ये तीनों ही बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होती हैं, तीनों का ही नेचर बिहेवियर, उनका सेक्सुअल बिहेवियर भी एक दूसरे से अलग अलग होता है। आप उनकी बॉडी के साथ कुछ भी प्ले करोगे, इधर उधर हाथ लगाओगे, तो फीमेल बॉडी होने की वजह से वो हो सकता है रिजल्ट उनका सेम हो, लेकिन वो रिएक्शन अलग अलग तरीके से करेगी। उनका खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनकी भावनाएं व्यक्त करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। वैसे बात कर लेते हैं पहले सबमिसिव फीमेल की। वो फीमेल जो कि ऑलरेडी सरेंडरिंग पोजीशन में है, आपको सबको समर्पित कर चुकी है तन और मन से, तो उसे ये जानकर आप करोगे भी क्या कि वो गर्म हुई या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा गर्म है। आप जब उसे बोल दोगे यार करने का मन है, इधर उधर हाथ लगाओगे, उसके माइंड को सिग्नल जाएगा कि मेरा जो हस्बैंड है मुझसे कुछ चाहता है, अपने आप ही उस मोड में आ जाएगी आपको अपने आप को समर्पित करने के लिए। तो वो गर्म ही गर्म है हमेशा आपके लिए, ऑलरेडी एवरी टाइम रेडी उसके साथ। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि यार मैं जब भी इसे हाथ लगाता हूँ, इधर उधर कुछ भी करता हूँ, तो ये रेडी हो जाती है, यार इसका मन भी होता है या बस मेरी खुशी के लिए गर्म हो जाती है। आपको एक टाइम के बाद तरस आ जाएगा उसके ऊपर कि यार मैं बख्श देता हूँ इसे, ये भी तो थकती होगी, मेरा पप्पू तो ऑल टाइम रेडी हो जाता है, लेकिन इसकी भी तो अपनी बॉडी है, ये हमेशा मेरे लिए रेडी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो फेमिनिन फीमेल, जब ये फीमेल जो फेमिनिन होती है, थोड़ी सी सबमिसिव से थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है इनका, एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन इशारों इशारों में आपको एक्सप्रेस करती है कि हाँ मैं गर्म हो चुकी हूँ। जब आप उनकी बॉडी के साथ प्ले करोगे तो वो रिएक्शन देती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको जताने की कोशिश करती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है मुझे। वो आपसे बचेगी नहीं, नाटक जरूर करेगी बचने का, लेकिन बचेगी नहीं। आप हाथ भी लगाओगे तो हो सकता है बोले छोड़ो ना, लेकिन जब आप छोड़ दोगे तो बोले यार छोड़ दिया। इस तरह के रिएक्शन वो आपको दे सकती है गर्मा गर्मी के। आपको लेकर बेड पर तो नहीं कूदेगी खुद से, इतना दम नहीं रखती होगी, लेकिन हाँ आपको इशारों इशारों में साबित करने की कोशिश जरूर करेगी, यार तुमने मुझे छेड़ा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये होती है फेमिनिन काइंड ऑफ फीमेल की पहचान, जब वो गर्म होती है तो इस तरीके से रिएक्ट करती है। अब जरा थर्ड कैटेगरी डोमिनेंट पे आ जाए। डोमिनेंट फीमेल, ये वो फीमेल होती है जिसे गर्म करना इतना आसान नहीं, आप उसे जितना भी ऊपर नीचे इधर उधर उसको कहीं भी हाथ लगा लो, इधर उधर कूद लो, लेकिन जब तक वो खुद से मूड में नहीं है गर्म होने के, आप उसे गर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो जरा सा भी मूड में है तो आपके हल्का सा टच करते ही आपको लेके बेड पर खुद कूद जाएगी। बहुत ही एक्सप्रेसिव नेचर की होती है, उसे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती इशारेबाजी की, अगर मुंह है उसके पास बोलने के लिए। अगर उसके नीचे आग लग चुकी है तो वो मुंह पर बोल देगी कि साले तूने तो गर्म कर दिया, आप ठंडा भी कर। अगर कम लेवल की डोमिनेंट है तो मन में ही रखेगी, लेकिन एक्टिविटीज में उसकी जो बोल्डनेस शो होगी, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको अपने आप ही दिखा देगी कि हाँ अगली गर्म हो चुकी है। इस तरह से तीनों फीमेल की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होने की वजह से उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो भी अलग अलग होता है, उनका गर्म वो हुई या नहीं ये पहचानने का तरीका भी अलग अलग होता है। फिर भी एक चीज तीनों में कॉमन है कि अगर आपने नीचे आग लगा दी है फिर उसके बाद उनको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आप बोलेंगे नहीं जी हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला बता दो, एक तगड़ा सा तरीका बता दो पहचानने का, तो एक ही तरीका है जी, हाथ लगा के देख लो कि गीली हुई है नहीं है, अगर हो गई है तो गर्म है, नहीं है तो ठंडी है। ये इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना, लास्ट में तो यही एक तरीका बचता है।
बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज कि आंखें बंद हो रही है, उनका शरीर ढीला पड़ रहा है, यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है पहचानने का कि वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि जब वो गर्म होगी तभी तो उसकी बॉडी ढीली पड़ेगी ना, बस यही तरीका है। था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किसी फीमेल को कैसे पहचाने कि वो गर्म हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी। किसी की भी लाइफ में जब लड़की का प्रवेश होता है तो इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक फीमेल उसकी जिंदगी में आती है, वो या तो फेमिनिन हो सकती है, सबमिसिव हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है। अपने वाली को पहचान लो और समझ लो। चलिए, बाय बाय।